अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, नहायत ही अहम टॉपिक है, बॉल एंड बाउंस सिस्टम। तो चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देंगे, देन हम डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम में अगर आप देखें तो मीन पोजीशन ओ, ये बॉल है हमारे पास, ये मीन पोजीशन ओ है। यहाँ पर इस बॉल पर दो फोर्सेज एक्ट कर रही है, एक नॉर्मल रिएक्शन, एक इसका वेट। वेट जो होते हैं ये एम जी के इक्वल होते हैं। तो इनिशियली जब ये बॉल पोजीशन ओ पर होगा तो इस पर कोई फोर्स अमल नहीं करेगी, तो ये बॉल जो है वो रेस्ट पे होगा। तो जैसे ही हम इस बॉल को पकड़ेंगे और इसे एक्सट्रीम पोजीशन ओ की तरफ लेके जाएंगे तो इस बॉल के अंदर जो है वो फोर्स रिस्टोर होगी। यहाँ जब ए पोजीशन पर हम इस बॉल को लेके आएंगे तो यहाँ इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। जैसे ही हम इस बॉल को ए पोजीशन पर रिलीज करेंगे तो इस बॉल के वेट की वजह से ये बॉल जो है मीन पोजीशन ओ की तरफ आना शुरू कर देगा। इसकी जो वेलोसिटी है, जब ये बॉल ए पोजीशन से ओ की तरफ आएगा, इसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी और इसकी एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में ओ की तरफ होगी। और ये जब ये बॉल ओ पोजीशन पर पहुंचेगा, यहां पर ये स्टे नहीं करेगा, स्टॉप नहीं होगा। क्यों नहीं स्टॉप होगा? क्योंकि इनर्शिया की वजह से इसकी जो वेलोसिटी है इसकी मैक्सिमम होगी और ये एक्सट्रीम पोजीशन ओ बी की तरफ जाएगा। तो जब ये एक्सट्रीम पोजीशन बी पर पहुंचेगा तो यहां पर इसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो होगी, इनर्शिया की वजह से फिर यहां नहीं रुकेगा। और ये जब यहां दोबारा ओ पोजीशन की तरफ आएगा तो इसकी वेलोसिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये था हमारे पास फिगर की एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट हम जो है इसके की टर्म्स को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसमें पहला जो की टर्म है वो ये है, इनिशियली एट द मेन पोजिशन ओ, इनिशियली मीन पोजीशन ओ पर, नंबर वन वेट इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, ये वेट जो है वो नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल होगा। नंबर टू इनिशियली द बॉल विल बी एट रेस्ट, इनिशियली जो होगी ये बॉल रेस्ट पे होगी क्योंकि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल नहीं कर रही। नंबर थ्री पॉइंट एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, यानी नेट फोर्स जो होगी ये मीन पोजिशन पर नेट फोर्स यहाँ पे जीरो होगी। तो ये तो था हमारे पास पहला पॉइंट। अब हम इसका सेकेंड पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि ये है एट एक्सट्रीम पोजीशन ए। एक्सट्रीम पोजीशन ए पर पहला पॉइंट, एट द पॉइंट ए व्हेन वी रिलीज द बॉल द फोर्स विल बी रिस्टोर इन द बॉल ड्यू टू इट्स वेट एंड द बॉल स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ओ। तो पहला पॉइंट इसमें ये था कि जब बॉल एक्सट्रीम पोजीशन ए पर आएगा तो इस बॉल के अंदर फोर्स रिस्टोर हो जाएगी इसके वेट की वजह से, और ये यहाँ नहीं रुकेगा और ये मीन पोजीशन ओ की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो पॉइंट है एक्सट्रीम पोजीशन ए, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। क्यों जीरो होती है? क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है बॉल की वो जीरो होती है, जिस तरह हमने ये बता दिया यहाँ पे। तीसरा जो पॉइंट है पोटेंशियल एनर्जी, इसकी मैक्सिमम होगी एक्सट्रीम पोजीशन ए पर। क्यों मैक्सिमम होगी? क्योंकि मेन पोजीशन से यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है ये मैक्सिमम है। तो ये तो था स्टूडेंट हमारे पास दूसरा पॉइंट। अब हम इसका तीसरा पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि ये है व्हेन द बॉल रीच एट पोजिशन ओ फ्रॉम ए। तो जब हमारे पास बॉल जो है पोजिशन, व्हेन द बॉल रीच एट पोजिशन ओ फ्रॉम ए, यानी जब पोजिशन ओ पर बॉल ए से आएगी तो तब क्या होगा हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी जो होगी ये मैक्सिमम होगी, यानी जब ये बॉल ए पोजीशन से ओ की तरफ आएगा तो ओ पोजीशन पर यानी मेन पोजीशन पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम होगी। क्यों मैक्सिमम होगी? क्योंकि वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी मेन पोजीशन पर। पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो मेन पोजीशन पर जीरो होगी। क्यों जीरो होगी? क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो जीरो होगा। तीसरा जो इसका अगला पॉइंट है, चौथा सॉरी, ड्यू टू इनर्शिया द बॉल नॉट स्टॉप एट द पोजिशन ओ एंड मूव टुवर्ड द पोजिशन बी। तो ओ पोजिशन पर जब पोजिशन ए से ओ पर बॉल आएगी तो यहाँ पे इनर्शिया की वजह से ये नहीं रुकेगा और ये एक्सट्रीम पोजिशन बी की तरफ जाएगा। तो जैसे एक्सट्रीम पोजिशन बी की तरफ जाएगा इसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो ये तो था हमारे पास अगला पॉइंट डिस्कशन का। अब नेक्स्ट जो हम पॉइंट डिस्कस जा रहे हैं वो ये है टू एंड फ्रो मोशन। पहला पॉइंट है इसमें टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉल कंटिन्यूज अबाउट द मीन पोजिशन ओ टिल ऑल इट्स एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन। यानी जो हमारे पास ये मीन पोजिशन ओ है, मीन पोजिशन ओ के इर्द गिर्द ये जो बॉल की मोशन है ये होती रहेगी। तब तक होगी ये मोशन जब तक हमारे पास इस बॉल के अंदर जो एनर्जी है वो
मुकम्मल तौर पे लॉस नहीं हो जाती, यानी खत्म नहीं हो जाती। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, बाल एंड माउथ सिस्टम।